हम पार्ट दो के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर एक, तालाब के किनारे कौन रहता था? उत्तर, तालाब के किनारे एक विचित्र पक्षी रहता था। प्रश्न दो, पक्षी को एक दिन क्या खाने को मिला? उत्तर, पक्षी को एक दिन अमृत फल खाने को मिला। प्रश्न नंबर तीन, पक्षी के पहले मुख ने यदि मिलकर काम किया होता तो क्या होता? उत्तर, पक्षी के पहले मुख ने यदि मिलकर काम किया होता तो दो मुख पक्षी को मृत्यु नहीं होती। प्रश्न नंबर चार, रिक्त स्थान भरो। पक्षी एक मुख से उस फल को खाकर प्रसन्न हो रहा था, दूसरा मुख स्वाद से वंचित रह गया। अपमानित होने के कारण दूसरा मुख विश्वल खाने लगा। हम मुख से अलग अलग हैं, पर दोनों का संबंध एक ही पेट से है। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। प्रश्न नंबर पाँच, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। अमृत, पक्षी को अमृत फल खाने को मिला। मीठा, अमृत फल मीठा था। परिणाम, अमृत फल खाने का परिणाम बुरा हुआ। प्रश्न नंबर छः, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। शब्द विलोम, विष अमृत, मीठा कड़वा, उचित अनुचित, सुख दुख। प्रश्न उत्तर, पहला दूसरा। पाठ दो पूरा हुआ। अब हम इस पाठ को 2 नंबर कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। उसके बाद HW कॉपी में इन्हीं प्रश्न उत्तर को 2 बार लिखना है और याद करना है।